यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे पठानकोट के बोनी सहगल ने सकुशल भारत वापस लौटने पर भारत सरकार का आभार जताया है। बोनी ने कहा कि यूक्रेन से निकलते वक्त न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तानी व चीनी छात्रों ने भी वाहनों पर तिरंगा लगाया हुआ था, क्योंकि भारत सरकार के रूस के अच्छे संबंधों की वजह से रूसी सेना तिरंगा लगे वाहनों को नहीं रोक रही थी। बोनी ने भारत सरकार से बाकी फंसे छात्रों को जल्द निकालने की मांग की है। इंडियन फ्लैग ने हमारी बहुत हेल्प करी है, ना सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि उन नेशन के बच्चों के लिए भी जो इंडिया को बिलोंग नहीं करते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी इंडियन नेशनल फ्लैग को यूज़ करा। चाइनीज़ स्टूडेंट्स ने इंडियन फ्लैग को यूज़ करा है अपने अपनी बसेस में लगाकर, जस्ट ताकि, क्योंकि हमें पता है कि रशिया और इंडिया का रिलेशन कैसा है, बहुत अच्छा है, तो ताकि जब हम ट्रैवल कर रहे हों तो बसेस अगर आगे रोक भी दी जाती है रशियन ट्रूप्स द्वारा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारा जो पैसेज है वो सेफली हो सके। इस लेवल पर काम करना कोई आसान चीज़ नहीं होती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी अरेंजमेंट्स करवाई है, चाहे वो खाने पीने की मतलब सुविधा हो, चाहे वो सिम कार्ड की हो, रोमानिया के बॉर्डर की ही बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो पैसे तक की हो, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो इंडियन एम्बेसी थी वो भी पैसे बांट रही थी, ये जितनी भी सुविधाएं थी ये मतलब मैं कहूँगा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रही, क्योंकि अगर हमें सिम कार्ड भी मिल गया तो हम अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे, जो हमारे लिए मेन चीज़ थी, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में थे घर पर इसमें। और दूसरी हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि हमारी जो खुद की यूनिवर्सिटीज़ थी वो हमारी क्लासेस ऑनलाइन नहीं करवा रही थी, तो हम कैसे ही, मतलब होता है ना कि हम बिना किसी सिक्योरिटी के हम कैसे वापस आ जाते, क्योंकि मेरा भी लास्ट ईयर था और मुझे भी डिग्री मिलने वाली थी अगले 2 महीनों में, तो मैं बिना डिग्री के वापस आ भी नहीं सकता था, तो हम बस इसीलिए वहाँ पे अटके हुए थे। इतना डिले जो हुआ इन गैप का, मतलब जो गैप पड़ गया 15 फरवरी से और जो हमारा आने का था, ये इसी वजह से हुआ। मे बी अगर ये एडवाइजरी पहले दी जाती इससे टाइम पहले और एज एन एश्योरेंस दी जाती फुल सिक्योरिटी के साथ कि आपको जाना चाहिए क्योंकि इसी समय आपको निकलना चाहिए, हम अरेंजमेंट्स करवा रहे हैं, तो मे भी आज बच्चे यहाँ पे होते। सरकार का तो बहुत बहुत शुक्रिया है साढ़े लो, खासकर नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, ये बड़ा औखा काम से उन्होंने बड़े तरीके नाल, बड़े सहजता नाल अपने कंट्रियां नाल जो उनका रिलेशन सीगा उनू यूज़ किया, बच्चों घर तक लिया, उन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी सरकार की। दूसरी गल है कि जिसले ये सिचुएशन बन चुकी सी, असी पैनिक बहुत सीगे, डर भी बड़ा लग सी की बन जाना, इन बिटवीन उत्थे एक बच्चे की डैथ भी हुई सी कर्नाटका के बच्चे की, 21 साल का बेटा सी उन्हां दा, वो सुन के साडा होर कुछ प्रॉब्लम दिमाग दे बोझ बहुत ज़्यादा पै गया, इन्ना बोझ सी कि मैंने 100-150 रोज़ का फोन आता सी रिश्तेदार का, दूजा तीजा सारे यारा दोस्तों का, आ जाके यही गल पुछते बोनी घर आ गया, बोनी घर आ गया तो की जवाब देना। तो राती मैं सच्चाई जी गल को लगाता नहीं कि मैं राती आके तो गोली खाता सी, डॉक्टर को पूछ के मैं गोली ली सी, और नींदर पै जाए, फिर भी मैं नींदर नहीं सी पैंदी, मैं सवेरे 3 बजे 2:30 बजे उठ के बैठा रहा हुंदा सी, सिर्फ जाप करता सी, प्रभु का नाल हुंदा सी, हे रब्बा मेरे बच्चे दे नाल नाल जिहड़े माँ प्यो बेचारे ने परेशान होए थे, की हालत उस माँ प्यो दी, उन्हां दे बच्चे नूं इक इक नूं घर लैके आ, तो इस टाइप च बाकी जिहड़े साडे इहदे यार दोस्त सीगे दूजे छोटे जूनियर बच्चे सीगे उहदे माँ बाप दे फोन आउंदे सी, तो उन्होंने भी उन्होंने समझाया जा सकता, अं कुछ कर नहीं सकते कि साढ़े हाथ पल कुछ नहीं, तो ये मैं तुम्हें पहले भी कहा कि जिस तरह कि बंदा की कर सकता भी 2-4 हज़ार किलोमीटर गड्डी चलानी, कार चलानी, बच्चे में लैके आ सकते, इस तो अलावा उत्तर अभी कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चे बस रब अगर दुआ करते बच्चे सेफ सलामत घर भेज दो, बाकी गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defense Road, Pathankot. Ward number 11, near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 954006113.